कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप हमारे साथ है, हम मिलकर काम करेंगे और आरएलयूपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके सभी कार्यकर्ता इसके लिए जोर से प्रचार करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे अच्छे अच्छे समाचार हम देते रहेंगे आपको आने वाले सप्ताह में। तो बेनीवाल जी, नहीं आज क्वेश्चन आंसर नहीं है, पहले बेनीवाल जी अपनी भूमिका बताएंगे। सब मिलके लेकिन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल होंगे, खुद ही लड़ेंगे। भाई साहब ने कह दिया तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा ना। हनुमान जी क्योंकि आप भाजपा में वापस आपने समर्थन दे दिया, भाजपा का पुराना नाता आपका रहा है, पुराने जो विवाद थे जिन नेताओं के साथ विवाद थे, तो क्या उसका असर भाजपा के भीतर पड़ेगा? अब आप सुनो, सबसे बात करके अभी एक ही लक्ष्य हमारा है, अभी स्टेट का इलेक्शन नहीं है, अभी नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये गठबंधन लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी दो तीन बहुमत से कैसे जीते, जैसा कि जावड़ेकर साहब कह रहे कुछ और होंगे तो और लोग भी समर्थन देंगे। तो हम देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर हमने निर्णय लिया। अभी दिल्ली का चुनाव जिन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है और उनका जीवन विद्यार्थी राजनीति से प्रारंभ हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और दो बार निर्दलीय रूप से खेवसर से विधायक रहे, ऐसे तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाया आरएलपी। हमने दोनों ने बैठकर निर्णय किया है कि आरएलपी एनडीए का एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो बेनीवाल जी को इस योजना में वे हमारे साथ हैं और राजस्थान में एक दूसरे की हम पूरी मदद करेंगे। इस अवसर पर हमारे पार्टी के राजस्थान के चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है